हेलो फ्रेंड्स, मास्टर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक ऐसे छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे अक्सर विद्यार्थी भी और काफ़ी हद तक टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं। चलो उस टॉपिक के हम बाद में बात करेंगे, कुछ उदाहरण लिख रखे हैं उनको अपन एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे राहुल जब अपनी दादी को पानी का गिलास देता है तो दादी उसे अपना राजा बाबू कहकर बुलाती है। अब राहुल आगे फिर दादी को पानी की ज़रूरत होती है तो राहुल खुशी खुशी दादी को पानी देता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चा एक कार्य कर रहा है और कार्य करने के बाद में उसे कोई चीज़ मिल रही है। जैसे कि यहाँ उसने कार्य किया, दादी को पानी का गिलास दिया राहुल ने, तो उसके बाद में दादी ने उसको अपने उस बच्चे की प्रशंसा की। क्या की है? प्रशंसा की। पहले प्रशंसा नहीं की गई है, पहले क्या किया गया है? कार्य किया गया है, बाद में प्रशंसा की। और इस प्रशंसा की वजह से आगे फिर कभी भी दादी को पानी के गिलास की जरूरत होती है तो राहुल भाग कर जाता है और दादी के लिए पानी लेकर आता है। अब आगे दूसरे में देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर एक चॉकलेट देता है। अब विद्यार्थी की कोशिश रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर दे। बच्चा पहले क्या कर रहा है? क्वेश्चन का सही आंसर दे रहा है। सही आंसर देने की वजह से उसे चॉकलेट दी जा रही है, ये पुरस्कार है उसके लिए। और इस पुरस्कार की वजह से अब बालक क्या कोशिश करता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगला नेक्स्ट देखते हैं। दीपक को डांटने पर दीपक गृह कार्य करने लग जाता है। यहाँ पर एक दीपक स्टूडेंट है, बच्चा है, जो होमवर्क कम करता है। जैसे उसको उसके पिताजी डांट देते हैं तो इस वजह से वह क्या कर रहा है? गृह कार्य करने लग जाता है। तो यहाँ दीपक गृह कार्य, हम वांछित जो कार्य करवाना चाह रहे थे गृह कार्य, उसको आगे से करने लग जाता है। अब बार बार उसका पापा उसे डांटेगा नहीं, एक बार डांट दिया, बच्चे को ध्यान रहेगा, अगली बार होमवर्क का टाइम होगा तब कि तुझे फिर डांट लगेगी, इसलिए उस होमवर्क को वो करने लग जाता है। तो यहाँ साथियों, साइकोलॉजी में इस टॉपिक को हम कहेंगे पुनर्बलन। जो प्रशंसा मिल रही है, पुरस्कार मिल रहा है या फिर डांट मिल रही है, ये क्या है? पुनर्बलन। तो आज अपना टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रीइन्फोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन के प्रकार। पढ़ेंगे पुनर्बलन के प्रकार। जैसे कि अपन ले सकते हैं इसे टाइप्स ऑफ रीइन्फोर्समेंट। देखिए साथियों, इसके कई प्रकार से वर्गीकरण होता है, पर दो मुख्य रूप से ले लेते हैं। एक वर्गीकरण होगा जिसे हम कहेंगे प्राथमिक पुनर्बलन या पुनर्बलक, एक होता है द्वितीयक पुनर्बलक। तो हमें ये देखना है कि प्राथमिक पुनर्बलक क्या होता है। ये हमारे बायोलॉजिकल नीड्स से जुड़े होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं। इनका आधार क्या होती है? जैविकता होती है, जैविकता। बायोलॉजिकल होते हैं ये। जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया और उसे हमने भोजन दे दिया और उस कार्य को बच्चा अगली बार इसलिए करता है कि तेरे को भोजन मिलेगा, तो भोजन पानी ये पुनर्बलक किस प्रकार के कहलाएंगे? ये प्राथमिक पुनर्बलक कहलाएंगे। और प्रश्न आए कि प्राथमिक पुनर्बलक का आधार क्या है, वो किस पर आधारित है? तो आएगी जैविकता पे आधारित है, अर्थात वातावरण से और अनुभव से इनका संबंध नहीं होता है, ये सीखे हुए नहीं होते, ये इनिटेट होते हैं, यानी जन्मजात होते हैं। द्वितीयक पुनर्बलक उसे कहते हैं जिनका आधार अनुभव होता है,
यानी अधिगम होता है। ये हम अपने अनुभव से इन पुनर्वलक को सीखते हैं, जैसे प्रशंसा। इसी प्रकार से आप ले लेंगे पद प्रतिष्ठा, व्यक्ति अपने अनुभव से जानता है कि जैसे कि उसने कोई कार्य किया, उसे प्रशंसा प्राप्त हुई, अब उसे वो सीख जाता है कि अच्छा अच्छा ऐसा कार्य करने से प्रशंसा मिलती है, ये जन्मजात नहीं होती। इसलिए जो द्वितीयक पुनर्वलक हैं उनका आधार अनुभव होता है, या ये कहीं अधिगम होता है, ये अधिगम के परिणाम होते हैं। और प्राथमिक पुनर्वलक होता है उसका आधार होती है जैविकता। साथियों, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। दूसरा, इसका जो दूसरे प्रकार से हम इनको विभाजित करेंगे पुनर्वलन को, तो वो दो हैं साथियों। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। जैसे लेके चले अपन, एक होता है जिसे कहेंगे धनात्मक धनात्मक या सकारात्मक पुनर्वलन, पुनर्वलन पुनर्वलन। एक होता है साथियों ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्वलन। देखिए, इसमें आप थोड़ी सोचेंगे, सर बार बार पुनर्वलन शब्द यूज कर रहे हैं, आखिर पुनर्वलन क्या है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जैसे कि राहुल की दादी पानी मांगती है, बच्चा दौड़कर राहुल पानी लेके जाता है, अब दादी उसकी प्रशंसा करती है, अगली बार बच्चा फिर दादी को पानी की जरूरत होती है, दौड़ कर जाता है पानी पिला देता है। तो यहाँ जो दादी ने कार्य किया वो एक प्रकार का पुनर्वलन था, दादी ने प्रशंसा की वो पुनर्वलन था। तो पुनर्वलन की वजह से क्या हुआ, उस क्रिया की भविष्य में संभावना बढ़ गई, उस क्रिया के होने की संभावना बढ़ गई। पुनर्वलन हमेशा अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है, घटाता नहीं। तो यहां अपन समझेंगे धनात्मक पुनर्वलन क्या होगा, पुनर्वलन चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो वह अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाएगा ही, कभी भी घटाएगा नहीं। आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्वलन की वजह से बच्चा उस कार्य को करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उस नकारात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन देने की वजह से भी बच्चा उस कार्य को भविष्य में ज्यादा करेगा। तो हम पुनः कहते हैं पुनर्बलन यानी अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहेंगे, पुनर्बलन कहेंगे। अब आते हैं साथियों जो ये धनात्मक पुनर्बलन है, जब हम किसी बच्चे को पुनर्बलन प्रदान करते हैं और उस पुनर्बलन की वजह से बच्चे को सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो, अर्थात उस पुनर्बलन को बच्चा चाहता है, तो ऐसे पुनर्बलन को हम क्या कहेंगे, धनात्मक या सकारात्मक। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर लेंगे, ये बताओ बच्चे ने कोई कार्य किया और आपने बच्चे की प्रशंसा कर दी, तो बोलो प्रशंसा बच्चे को सुख देगी या दुख देगी? तो आपका निश्चित तौर पर उत्तर होगा कि वो प्रशंसा बच्चे को सुख देगी, हर बच्चा प्रशंसा चाहता है, तो ये धनात्मक या सकारात्मक पुनर्वलन होगा। इसी प्रकार से पुरस्कार, अगर हम किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो वह पुरस्कार भी बच्चे को क्या देगा, बच्चे को निश्चित तौर पर आनंद देगा, खुशी देगा, इसलिए वो भी धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। अगर हमने बच्चे को चॉकलेट दे दी, तो चॉकलेट अगर उसकी पसंदीदा है तो निश्चित तौर पे वह भी उसे क्या देगी, आनंद देगी, खुशी देगी। इसी प्रकार से हमने बच्चे को भोजन दे दिया, तो भोजन भी किस प्रकार का पुनर्बलक का कार्य करेगा, सुख देने वाला होगा, इसलिए धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। उन्हें एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो धनात्मक सकारात्मक पुनर्बलन वो होते हैं जिनके प्रदान करने पर बच्चे को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। अब आते हैं ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए साथियों, नकारात्मक पुनर्बलन क्या करता है,
कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। ये वो पुनर्मिलन कहलाएंगे जिनको प्रदान करने पर बालक, जिनको प्रदान करने पर बालक को क्या हो जाएगा कि बालक को दुख होगा, पीड़ा होगी। क्या होगी भाई? पीड़ा होगी या दुख होगा, कष्ट होगा। तो आप ये बताओ बच्चा इसको लेना चाहेगा? तो आपका ही साथी उत्तर होगा बच्चा कभी नहीं चाहेगा उस चीज को, लेकिन अपन उसे दे रहे हैं, अपन उससे कोई ना कोई वांछित अनुक्रिया करवाना चाहते हैं। और अपने को पता है कि जब हम ये नकारात्मक पुनर्मिलन बच्चे को देंगे तो जो अनुक्रिया हम चाहते हैं वो अनुक्रिया बच्चा करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये नकारात्मक पुनर्मिलन भी बच्चे की अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखता हूं कि डांटना, एक ही ले लो आप मुख्य तौर पे, डांटना या किसी सुविधा सुविधा में कमी करना। अगर हम बच्चे की सुविधा में कमी कर देते हैं तो बच्चा नहीं चाहेगा कि मेरी सुविधा में कमी हो, लेकिन हमने उस सुविधा में कमी कर दी इसलिए वो जो हम कार्य करवाना चाहते हैं उस कार्य को करेगा। इसलिए ये नकारात्मक पुनर्मिलन भी क्या करता है, वांछित अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देता है। जैसे अब मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करूंगा, जैसे वो बच्चे वाला राहुल वाला लिया था तो उसमें तो हमने क्या देखा, वो कैसा पुनर्मिलन था? सकारात्मक। तो हम यहां ले सकते हैं सकारात्मक पुनर्मिलन, प्रशंसा सकारात्मक में आएगा, पुरस्कार सकारात्मक में आएगा, भोजन सकारात्मक में पुनर्मिलन में आएगा। डांटना या किसी सुविधा में, बच्चे की सुविधा में कमी को करना, वो किस में आएगा? नकारात्मक पुनर्मिलन में आएगा। अब आपको ये लगेगा कि जो ये नकारात्मक पुनर्मिलन है, और एग्जाम्पल दीजिए सर जिसे हमें अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को सर्दी लग रही है, छोटा बच्चा है और उसे सर्दी का मौसम है, उसकी माँ को लगता है कि इस बच्चे को ठंड लग जाएगी, लेकिन बच्चे को अभी इतनी समझ नहीं है तो वो ऊनी कपड़े पहनना पसंद नहीं करता है। अब उसे माँ पहनाने लगती है, नहीं पहनता है, लेकिन सर्दी ज़्यादा है बाहर, उसे सर्दी लग रही है और माँ पहनाने की कोशिश कर, नहीं पहना, लेकिन माँ ने जबरदस्ती पहना दिया। जैसे उसने ऊनी गर्म कपड़े पहने और उसे गर्मी का एहसास हुआ तो उसकी ठंड क्या गई? भाग गई। अब भविष्य में जब बच्चे को हम ठंड लगेगी और ऊनी कपड़े पहनाने का प्रयास करेंगे तो विरोध नहीं करेगा। तो यहां साथियों देखिए, ठंड है, ठंड है एक प्रकार से क्या, ठंड बच्चे को कष्ट देती है, आनंद देती है? कष्ट देती है, और बच्चा कष्ट चाहता नहीं है। तो यहां एक प्रकार से वो नकारात्मक पुनर्मिलन का कार्य कर रही है सर्दी, और जो बच्चा अनुक्रिया कर रहा है ऊनी कपड़े पहनने की वो है अनुक्रिया, और इस अनुक्रिया को हमें बच्चे को सिखानी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो ठंड बढ़ेगी तो बच्चा अपने आप भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उन्हीं कपड़े पहन लेगा, तो इस अनुक्रिया की संभावना बढ़ गई है। तो यहां अपन देखते हैं इसी प्रकार से, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं कि एक बच्चा है जो होमवर्क नहीं करता है लेकिन उसके पिताजी उसे डांट देते हैं। क्यों डांटते हैं? वो चाहते हैं कि होमवर्क करे, हम इस अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके पिता ने उसे डांट दिया, अब बच्चा होमवर्क कर लेता है। अब भविष्य में फिर शिक्षक उसे होमवर्क देता है तो बच्चा बिना डांटे ही होमवर्क कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है अगर डांट अगर तू होमवर्क नहीं करेगा तुझे डांटा जाएगा, और डांट खाना वो पसंद नहीं करता है। इसलिए डांट से बचने के लिए वो उस अनुक्रिया को करने लग जाता है। तो यहां भी हम अनुक्रिया की संभावना को, बढ़ती हुई संभावना को देख रहे हैं। तो देखिए साथियों, आपके दिमाग में या अधिकांश टीचर इसे इस रूप में पढ़ाते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को दबाता है, बल्कि पुनर्बलन जो भी शब्द आएगा वो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाएगा ही। तो अब आपके मस्तिष्क में एक आया होगा कि फिर सर अनुक्रिया को दबाता कौन है? तो देखिए, दंड जो होता है, दंड सजा, वह अनुक्रिया की संभावना को कम कर देती है या पूरी तरह दबा देती है। कई बार तो अनुक्रिया, जैसे हम बच्चे को दंड देंगे
तो बालक उस कार्य को या तो करेगा नहीं या कम करने लग जाएगा। तो दंड या तो अनुक्रिया को कम करता है भविष्य में, या फिर उस अनुक्रिया को पूरी तरह दबा देता है। तो आप याद रखना, दंड ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार से साथियों, मैं पुनः आपको जो शुरुआत में बोर्ड पे एग्जाम्पल्स लिखे थे उनको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो साथियों, आप पुनः उस चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ राहुल की दादी ने पानी का गिलास मांगा, बच्चा अपनी दादी को पानी दे देता है, इसलिए दादी उसकी प्रशंसा करती है, राजा बाबू कहकर पुकारती है। अब राहुल फिर दादी को पानी की जरूरत होती है तो खुशी खुशी राहुल पानी दादी को दे देता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चे ने पहले अनुक्रिया की, और वो अनुक्रिया का परिणाम उसके लिए क्या आया, सुखद आया, सुख देने वाला आया। मैंने कहा था सुखद जो भी चीज़ होगी, जो बच्चे को हम प्रदान कर रहे हैं उसकी अनुक्रिया के बाद में, और वो बच्चे को सुख दे रही है, तो कैसा पुनर्बलन कहलाएगा, सकारात्मक। तो यह प्रशंसा हो रही है, सकारात्मक पुनर्बलन आ गया। और इस पुनर्बलन का महत्व तो क्या है, अब बालक भविष्य में उस कार्य में और ज्यादा रुचि ले रहा है, या उस कार्य में और ज्यादा तल्लीनता से उस कार्य को कर रहा है, तो ये उस अनुक्रिया की संभावना को घटाया या बढ़ाया, बढ़ाया, इसलिए पुनर्बलन तो है ही। अब आते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर एक चॉकलेट देता है। चॉकलेट यहाँ किसका कार्य कर रही है, पुरस्कार का। तो ये भी कैसा है, ये भी सकारात्मक पुनर्बलन है। और इस चॉकलेट की वजह से बच्चे की कोशिश क्या रहती है कि भविष्य में मैं और ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दूं जिससे मुझे ज्यादा चॉकलेट प्राप्त हो। अब देखते हैं, दीपक को डांटने पर दीपक गृह कार्य करने लग जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, बच्चा गृह कार्य करना पसंद नहीं करता है, उसकी इच्छा कम रहती है, मौज मस्ती ज्यादा करता है, लेकिन उसके पापा डांटते हैं, इसलिए वो डांट से बचना भी चाहता है, नहीं चाहता कि उसके पापा उसे डांटे, इसलिए अब वह उस गृह कार्य को कर रहे हैं। तो यहां डांटना पुनर्बलन का कार्य कर रही है, क्योंकि गृह कार्य करने की संभावना को बढ़ा रहा है डांटना, इसलिए यहां पुनर्बलन का कार्य है, इसलिए नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन होगा, ये सजा या दंड नहीं। एक भूखा आदमी भोजन के लिए किसी के घर का कार्य करने लग जाता है। वो व्यक्ति भूखा है, इसलिए किसी के घर का कार्य, घरेलू कार्य, नौकर के रूप में कार्य करने लग जाता है कि उसे क्या मिलेगा, भोजन। और उसने कार्य किया और कार्य करने के बाद में उसे क्या मिल गया, भोजन। तो यह भोजन भी किसका कार्य कर रहा है, पुनर्बलक का कार्य कर रहा है। और कैसा पुनर्बलक है, सकारात्मक पुनर्बलक है। इसलिए साथियों, माई होप, मैं आशा करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही जटिल था, और मैंने सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ठीक लगा हो तो मास्टर स्टडी क्लासेस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स।